दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं यहाँ पे सोने के लिए आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सोना या नींद आना इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, और जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो एक बहुत बड़ा रोग है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रोग के बारे में जिसे हम अनिंद्रा या इंसोम्निया कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे कि जिससे आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नींद ना आने के क्या क्या कारण होते हैं, आयुर्वेद में उसके क्या क्या वंडरफुल सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेद के टेक्स्ट में से कौन कौन से ऐसे उपाय हैं कि जिनको करके हम अपने अनिंद्रा के रोग को भगा के बेहतरीन स्लीप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। सो फ्रेंड्स, नींद ना आना इंसोम्निया एक बहुत बड़ी बीमारी है, और नींद ना आने की वजह से ज्यादातर लोग एंजाइटी यानी कि चिंता, स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन यानी कि मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना, और फटीग यानी कि थकान, ऐसी प्रॉब्लम्स में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि नींद ना आने के क्या क्या कारण है। नींद ना आने का सबसे पहला कारण अगर हम देखने जाएं तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें, काफी लोगों की लाइफस्टाइल में ऐसा देखा जाता है कि वो लोग बहुत लेट नाइट को आते हैं और खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। खाना खा के तुरंत सोने की वजह से क्या होता है कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होने की वजह से बॉडी में गैस एसिडिटी जनरेट होती है, और उसकी वजह से स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोम्निया की तकलीफ धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। उसके बाद अगर हम देखने जाए दूसरा कारण, तो बहुत ज्यादा और हेवी खाना डिनर में खाना। आज की हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में ज्यादातर ऐसे होता है कि लोग जो है वो पूरा दिन बाहर काम में होते हैं, पूरी फैमिली रात को घर पे इकट्ठा होती है, तो रात को जो है वो सबसे अच्छा खाना घर में रात को बनता है, और रात को सभी मिलकर बहुत हैवी खाने का इंटेक करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि रात का खाना जो है, हमारा जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए, और सूर्यास्त के वक्त में मतलब 7 बजे के करीब शाम को हो जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर घरों में, शहरों में हम देखते हैं कि रात को 8, 9, 10, 11 बजे तक खाना होता है, और बहुत हैवी खाना रात को खाने की वजह से भी पेट में भारीपना होने की वजह से नींद ना आने की समस्या होती है। उसके अलावा एक और कारण अगर हम देखने जाएं तो कोई भी सोने का फिक्स टाइम टेबल ना होना। जैसे कभी टाइम मिला तो 10 बजे सो गए, कभी 11 बजे सो गए, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो और कभी पूरी रात जाग लिया। ऐसे जिन लोगों का सोने का टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है उन लोगों को भी इंसोम्निया की तकलीफ या नींद ना आने की तकलीफ होने लगती है। उसके बाद अगर हम देखने जाएं तो जिन लोगों को दिन में सोने की आदत है, कुछ लोग सुबह बहुत लेट उठते हैं, जैसे सुबह 10 बजे 12 बजे तक सोते रहते हैं, उनको भी रात को नींद ना आने की समस्या होती है, क्योंकि जितना दिन में सोएंगे उतना रात को नींद लेट से आएगी। उसके अलावा लेडीज में ज्यादातर ये देखा जाता है, और कुछ जेंट्स में भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये लेडीज में देखा जाता है कि दोपहर के टाइम में सो जाते हैं। दोपहर में 2-3 घंटा सोने की वजह से, आयुर्वेद में दोपहर की नींद को या दिन की नींद को दिवस स्वप्नम कहा गया है, और उसको बिल्कुल वर्जित बताया गया है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने से नींद ना आने की समस्या हो सकती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण आज के हमारे इस मॉडर्न जमाने में देखा जाता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड गैजेट्स का हम इस्तेमाल रात को सोते वक्त करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की ऐसी आदत हो चुकी है, सुबह उठ के पहले मोबाइल यूज करते हैं और रात को सोते वक्त भी मोबाइल यूज करते हैं। उसकी वजह से जो है वो नींद ना आने के समस्या जो है वो क्रिएट होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग एक चीज हमेशा याद रखें कि रात को सोने से कम 1 घंटे पहले अपने गैजेट्स को यूज करना बंद कर दें। उसके अलावा स्ट्रेस, जिन बातों से हमें मानसिक तनाव आता है, जैसे कि कुछ झगड़े की बातें, कुछ जो चीजें हमको याद नहीं रखनी है ऐसी चीजें, या जिससे हमको मानसिक या शारीरिक पीड़ा मिलती है, जिससे हमको तनाव बढ़ता है, ऐसी बातों को या ऐसी याद करना या ऐसी बातों को करने की वजह से हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और इन स्ट्रेस हॉर्मोन्स के एक्टिव होने की वजह से भी नींद ना आने की समस्या होती है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है,
इसका या चॉकलेट्स का रात को सेवन करने की वजह से भी नींद ना आने की समस्या होती है। कैफीन वाली चीजें जैसे चाय कॉफी का बहुत ज्यादा इंटेक करना या रात के समय पे उनका इंटेक करना, उसकी वजह से भी हमें नींद ना आने की समस्या होती है। कैफीन जो कॉफी में पाया जाता है उसको आप शाम को 4-5 बजे के बाद कभी भी ना ले। अगर आप शाम को लेट इवनिंग में कैफीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद ना आने की समस्या डेफिनेटली होने वाली है। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, कुछ मेडिसिन के ओवर डोसेज की वजह से भी नींद ना आने की समस्या होते हुए देखी जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया नींद ना आने के कुछ कारणों के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि आयुर्वेद की बुक्स में, आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक्स में नींद ना आने के यानी कि इंसोम्निया, अनिंद्रा रोग के क्या क्या समाधान अवेलेबल है, आइए देखते हैं। दोस्तों आयुर्वेद की बुक में महर्षि चरक आचार्य ने ऐसा कहा गया है, चरक संहिता में ऐसा कहा है कि जिन लोगों को अनिंद्रा की प्रॉब्लम है उन लोगों को अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग का मतलब होता है कि बॉडी मसाज, सुबह नहाने जाने से पहले तिल का तेल, महानारायण तेल, दशमूल तेल, सरसों तेल, इसमें से आप कोई भी तेल ले सकते हैं। इस तेल को आप अपनी पूरी बॉडी पे मसाज करके उसके बाद आप गर्म गुनगुने पानी से नहाइए तो आपका नींद नहाने का प्रॉब्लम जो है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको अभ्यंग कहा जाता है। उसके बाद आयुर्वेद की टेक्स्ट में हम दूसरे एक सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है तो आचार्य चरक ऋषि ने ऐसा बताया हुआ है कि उन लोगों को अपने पैरों के तलवे जो है, अपने पैरों के तलवे में तेल या घी, गाय का घी कोई भी घी चलेगा, आप घी या तेल का आप एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन करें, कुछ देर तक उसके ऊपर आप मसाज करें, अप्लाई करें, उसकी वजह से भी आपका अनिंद्रा का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक और सॉल्यूशन बताया गया है कि आपको रात को अगर नींद नहीं आती है तो आपको गर्म गुनगुने पानी से बाथ लेना चाहिए। जब आप बाथ लेते हैं तो आपकी पूरा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है और नहाने की वजह से नींद अच्छे से आने लगती है। उसके बाद ऐसा कहा गया है बुक्स में कि आपको जो गंध, जो सुगंध, जो खुशबू आपको ज्यादा पसंद है, वैसे स्मेल वाले अत्तर, परफ्यूम या कोई भी आपको चीज लगा के सोना है जिसकी स्मेल की वजह से आपके जो ब्रेन है वो रिलैक्स, ब्रेन सेल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और नींद अच्छे से आती है। कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी आपको सुनना चाहिए, ऐसे स्लो म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल का म्यूजिक है या फ्लूट, बांसुरी का म्यूजिक है, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है और हमें अच्छे से नींद आ सकती है। उसके अलावा आप बॉडी कंप्रेशन यानी कि हाथ पैरों को दबाना, हम पुराने जमाने में हम देखते थे कि हमारे मदर फादर है वो पैर हाथ दबाते थे, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाथों पैरों को दबाने से, सर को दबाने से जो है वो हमारा बॉडी रिलैक्स होता है और उससे अच्छे से नींद आ जाती है। उसके अलावा जो आयुर्वेद में स्पेशली ऐसा बताया गया है, आपकी जो शैया है, जो आपका जो बेड है वो बहुत ज्यादा नरम या बहुत ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, वो रिलैक्सिंग होना चाहिए कि जिसके ऊपर पड़ने के बाद आपको अच्छी नींद आ जाए। तो बेड का अच्छा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, आपका बेड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सोने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई आयुर्वेद की बुक्स में से। अब आपको बता देते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में कि जिनको आप इस्तेमाल करके अपना अनिंद्रा का प्रॉब्लम, अपना इंसोम्निया का प्रॉब्लम जो है वो आप परमानेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली टिप मैं आपको बताने वाला हूं, आपको 2 चम्मच सौंफ लेनी है, उसको 1.5 कप पानी में उबाल के उसको आधा कप जला देना है। 1 कप जितना सौंफ का पानी जो बचेगा उसको आपको हल्के गर्म दूध के साथ मिक्स करके रात के टाइम पे पी लेना है, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि कैरेट, जो गाजर होता है, गाजर के जूस में अल्फा कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है। ये अल्फा कैरोटीन जो है वो नींद जो है नींद लाने में बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आप एक फेस पैक का अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों, रक्त चंदन नाम की औषधि है, उसको आप रोज वाटर के साथ मिक्स करके अपने फेस पे एज ए फेस पैक अप्लाई करेंगे, उससे भी आपको नींद अच्छे से आ सकती है। सो दोस्तों अब देखते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कि जो आपकी अनिंद्रा के प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकती है। ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम अपनी डे बाय डे रूटीन प्रैक्टिस में यूज करते हैं और काफी पेशेंट्स को हम देते हैं जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, अगर आपने रात को लेट खाना खाया है तो आपको अपने डाइजेशन को करेक्ट करना है। उसके लिए आपको त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेना है, या तो त्रिफला की 2 टेबलेट गर्म पानी के साथ ले लेनी है, उससे आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा और आपको नींद अच्छे से आने लगेगी। उसके अलावा एक और आपको मैं आयुर्वेदिक उपचार बताने वाला हूं, आपको भैंस का दूध लेना है, बफेलो मिल्क, उसमें 2 चुटकी सूंठ लेनी है
और आधी चम्मच पिपली मूल पाउडर लेना है। पिपली मूल पाउडर आपको आपके शहर में पंसारी की दुकान पे से मिल जाएगा। आधी चम्मच पिपली मूल पाउडर, दो चुटकी सूंठ और एक कप भैंस का गर्म दूध, उसको मिक्स करके आपको रात को लेना है 10 बजे के करीब। आपका 2-4 दिनों में नींद ना आने का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एक और औषधि आपको बता देता हूँ, शंख पुष्पी नाम का एक पाउडर आता है। शंख पुष्पी पाउडर और अश्वगंधा पाउडर, इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर देना है। ये मिक्सचर में से आपको 1 चम्मच पाउडर को गर्म दूध के साथ लेना है रोज रात को 10 बजे। आपको धीरे धीरे नींद अच्छे से आने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, अश्वगंधा चूर्ण और सत्तावरी चूर्ण का कॉम्बिनेशन कर देना है। 50 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 50 ग्राम सत्तावरी का पाउडर, इसको मिक्स कर देना है। उसमें से 1 चम्मच रात को 10 बजे गर्म दूध के साथ आपको लेना है। इससे भी आपका नींद ना आने का प्रॉब्लम जो है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पाउडर मिक्स नहीं करना है, पाउडर आप लेना नहीं चाहते, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो लिक्विड फॉर्म की औषधि है दोस्तों। इसका नाम है सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट नाम की औषधि लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इसको 15-15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ मिक्स करके आपको लेना है। 1 कप पानी के साथ मिक्स करके लेना है, जिससे आपका अनिद्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मेडिसिन के बाद मैं आपको पंचकर्म ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। आयुर्वेद की कुछ ऐसी पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं कि जिसको करने के बाद भी आप अपने अनिद्रा के प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो आपको ब्राह्मी का तेल लेना है। ब्राह्मी के तेल का शिरो अभ्यंग करना है। शिरो अभ्यंग मतलब हेड एप्लीकेशन, अपने बालों में अच्छे से ब्राह्मी के तेल का मसाज करना है 10 से 15 मिनट तक। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, आपकी नींद का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आप नेत्र तर्पण करके, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है नेत्र तर्पण। नेत्र तर्पण में क्या होता है, हमारी जो दोनों आंखें हैं उसके आसपास आटे की क्यारी बना के रखी जाती है, उसके अंदर में मेडिकेटेड घी भर के रखा जाता है। उसकी वजह से भी जो है वो हमारा अनिद्रा का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप एक आयुर्वेद पंचकर्म की चिकित्सा नस्य चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा का प्रॉब्लम है, वो लोग रोज रात को सोते वक्त 2-2 बूंदे गाय का घी अपने दोनों नाक में डाल के अंदर खींच लें। ऐसे करके आपको सीधे सो जाना है, सर को नीचे की ओर लाई डाउन करके इसके 2-2 बूंद डालने हैं। इससे भी आपका प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है, तो आप अपने शहर में नजदीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके शिरोधारा नाम की चिकित्सा का इस्तेमाल करिए। शिरोधारा एक वंडरफुल ट्रीटमेंट है दोस्तों अनिद्रा के लिए, जिससे आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे। शिरोधारा की 8 से 15 सिटिंग्स लेने से ही आपका अनिद्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज मैंने यहाँ पे जो आयुर्वेदिक औषधियां, जो टिप्स बताई है, जो आपको मेडिकल प्रोसीजर्स बताई है, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसमें से आप जरूर से इस्तेमाल कीजिए, आपका अनिद्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप हमसे दवाई मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स और हमारा एड्रेस यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर से आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें बहुत हौसला देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप किसी वीडियो पे मुझसे चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए टॉपिक पे हम जरूर लाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।